जो रोजगार करते थे वो बेरोजगार हुए। भाषण देते रहते हैं, जहां जाते हैं भाषण देते हैं, वायदा करते हैं, मगर एक सच नहीं बोलते हैं। जहां भी देखो आप हिंदुस्तान में, किसी युवा से पूछो भैया क्या करते हो, जवाब मिलता कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। नोटबंदी की पता नहीं क्या हुआ, दिमाग में क्या घुस गया, अचानक 8 बजे रात को टीवी पे आते हैं, देश को बता देते हैं कि भाइयों और बहनों मुझे 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, उसको मैंने रद्द कर दिया। लो, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लो, 8 साल के किसी बच्चे से जाके पूछो भैया 500 रुपए 1000 रुपए का नोट अगर रद्द किया तो देश की अर्थव्यवस्था को क्या होगा, 8 साल का बच्चा आपको बता देगा, जबरदस्त नुकसान होगा, छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस सब खत्म हो जाएंगे, 8 साल का बच्चा बता सकता है, मगर देश का प्रधानमंत्री नहीं समझ सकता इस बात को। यहां हमारी महिलाएं आई हैं, इन सबको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक के सामने खड़ा कर दिया, आप सबको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक के सामने खड़ा किया, क्या फायदा मिला? आपका पैसा था, आपके जेब से निकाल लिया, कहां गया वो पैसा? उस लाइन में आपने हिंदुस्तान के चोरों को देखा? विजय माल्या लाइन में खड़ा था, नीरव मोदी लाइन में खड़ा था, मेहुल चौकसी लाइन में खड़ा था, ललित मोदी लाइन में खड़ा था ना? नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके चोरी कर गया, भाग गया। नोटबंदी में इन्होंने पैसा बैंक में डाला, आप सब ने पैसा बैंक में डाला। नरेंद्र मोदी ने कहा भाइयों और बहनों काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही है, लाइन में खड़े हो जाओ, बारिश हो आंधी हो तुम्हें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। देश के सब चोरों ने, सबके सब चोरों ने नरेंद्र मोदी जी की मदद से अपने काले धन को सफेद में बदल दिया। यह है नरेंद्र मोदी जी की काले धन के खिलाफ लड़ाई। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का किसान आत्महत्या करता है, हर प्रदेश में हर रोज कोई ना कोई किसान आत्महत्या करता है, और किसानों ने प्रधानमंत्री से, अरुण जेटली जी से एक ही चीज मांगी है, हमारा आप कर्जा माफ कर दीजिए, हमसे जिया नहीं जा रहा है, हमें आपसे और कोई मदद नहीं चाहिए, हमारा कर्जा माफ कर दीजिए। अरुण जेटली जी कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है, हम ये काम नहीं करते, आप कर्जा माफ नहीं करते। तो अगर आपकी ये पॉलिसी नहीं है तो फिर आपने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए क्यों कर्जा माफ किया है? अमीर व्यक्तियों का रोज कर्जा माफ करते हैं, किसान मदद मांगता है कहते हैं नहीं हमारी पॉलिसी नहीं। यूपीए की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार ने आपके लिए कर्जा माफ किया था, किसानों के लिए। किसान हमारे पास आए, उन्होंने कहा देखिए मुश्किल हो रही है, हमारा कर्जा माफ कीजिए, एकदम हमने कर दिया। लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों को फायदा मिला। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, मैंने अपने भाषण में वहां कहा देखिए मैं बाकी सब नहीं जानता हूं मगर मैं आपको यह कह देता हूं 10 दिन के अंदर इन 3 प्रदेशों में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। मैंने वहां बोला, हर मीटिंग में बोला,
भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी तीनों प्रदेशों में चुनाव जीती, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर हमारे तीनों चीफ मिनिस्टर ने कर्जा माफ कर दिया किसानों का, 2 दिन। पहले बीजेपी के लोग कह रहे थे पैसा नहीं है, कर्जा माफ नहीं हो सकता, पैसा है, कोई कमी नहीं है पैसे की, बस यह है कि ये पैसा पूरा का पूरा पैसा ये चोरों को देते हैं, नीरव मोदी जैसे चोरों को, मेहुल चौकसी जैसे चोरों को, अनिल अंबानी जैसे चोरों को। देखिए मैं सुनाता हूं आपको, मैं सुनाता हूं, पहले नारा चलता था, जनता कहती थी अच्छे दिन, नरेंद्र मोदी जी कहते थे आएंगे, याद है आपको, अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन, आ गए। हाँ, अब नारा सुनिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। ये देखिए ये क्या हुआ, 4 साल में अच्छे दिन से चौकीदार चोर कैसे हो गया,